two संध्या इंटर प्लाइज एंड संध्या रबर एंड पीवीसी प्रोडक्ट। मैं फिर आपके लिए केमिकल लेकर आया हूं सर, उड्रोजिन। उड्रोजिन क्या है? ड्राई बॉन्डिंग केमिकल के नाम से जाना जाता है, जो आपको कंपाउंड के अंदर या आप होजेज बनाते हो, रेनफोर्समेंट और कंपाउंड के बीच में जो बॉन्डिंग का काम करता है, मतलब उसको आप होज बनाते हो तो उसको फटने से बचाता है। तो उस सब्जेक्ट पर जाने से पहले आइए हम कुछ बिजनेसमैन के मोटिवेशन के लिए एक शायरी बोलना जा रहा हूं। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। मेरे दोस्त, आगे हम बात करते हैं, जिस दिन सोना छोड़कर, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ध्यान दीजिए, जिस दिन सोना छोड़कर के मेहनत करने लगा तो पूरा तेरा ख्वाब हो जाएगा, तो पूरा तेरा ख्वाब हो जाएगा और हर मुश्किल की हल मिलने लगेगा और तुझे तू खुद ब खुद लाजवाब हो जाएगा। मेरे दोस्त, अब आइए हम आपको उड्रोजिन के बारे में बताते हैं। उड्रोजिन जो है नेचुरल, जिसे नेचुरल रबर के अंदर हम अगर 100 PHR आप रबर लेते हो, उसमें 1 PHR से लेके 5 PHR तक आप उड्रोजिन का यूजेज कर सकते हो। और सवाल है कि उड्रोजिन क्या है? उड्रोजिन डालने से आपके जो कंपाउंड में काफी अच्छी लुक आती है और मस्टिकेशन में भी काफी एक टिश्यू दूसरे टिश्यू को, एक पार्टिकुलर जो होता है दूसरे पार्टिकुलर को अपनेस में टैगनेस लेकर के आता है। जैसे हम बात करते हैं, हम अगर हमारा जो प्रोडक्ट है स्लरी होज है, सीमेंट फीडिंग होज है, तो काफी ब्रेडेड होज, टेक्सटाइल ब्रेडेड होज हो या यार्न ब्रेडेड होज हो या हेलिक्स वार के, तो हम जब होज वो बनाते हैं वैक्यूम सस्टेन करने के लिए, जिसका जो वैक्यूम जो होता है ये 750 Hg और 500 Hg, तो आपको वहां पे जैसे वैक्यूम होता है तो वहां पे बॉन्डिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम होज बनाते हैं, सपोज मान लीजिए आपने होज बनाते हो, तो होज बनाने के टाइम में क्या होता है, फर्स्ट जैसे कि लाइनिंग आपने डाला, फिर आप रेनफोर्समेंट डालते हो, फिर उसमें मिडिल डालते हो, उसके बाद आपको हेलिकल स्वायर आ जाता है। जैसे हेलिकल स्वायर आता है तो फिर आपको क्या मिडिल आता है, फिर आपको रेनफोर्समेंट आता है, फैब्रिक रेनफोर्समेंट, तो उसके फिर हम वन बाई वन फाइनली क्या करते हैं, फिर उसके ऊपर से हम क्या करते हैं, रबर कवर डालते हैं। तो रबर कवर के बाद फिर हम क्या करते हैं, उसको नायलॉन रैपिंग टेप से रैपिंग करते हुए होज को फिर वल्कनाइजिंग के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। वल्कनाइजिंग के अंदर डिपेंड करता है कि होज का साइज क्या है, जैसा होज छोटा साइज रहेगा तो उसको ज्यादा टेम्परेचर दे करके और कम टाइम भी दे करके, कम से कम 1.5 घंटा उसको वल्कनाइजिंग में रखते हैं, और जैसे आपका बिगर साइज का होज रहेगा तो उसको स्लो टेम्परेचर दे करके आपको टाइम का जो उसका क्यूरिंग टाइम का जो वल्कनाइजिंग टाइम का ड्यूरेशन टाइम जो है आप बढ़ाना होता है, कि उसको जैसे आप घर में एक तवा के ऊपर चपाती बनाते हो तो जो पत्ती रहेगी तो उसको क्या करते हो सर, उसको टेम्परेचर ज्यादा दे करके आप तुरंत क्या करते हो, रोटी फटाफट पका लेते हो। तो उसी तरह से अगर मोटी ही रोटी पकानी हो जिसके उसके अंदर कुछ आप भरते हो, जैसे सत्तू का रोटी होता है या आप पालक का बनाते हो पराठे, या कुछ उसके अंदर दाल कुछ भरते हो या कुछ भी आप और उसके अंदर भर के कुछ बनाते हो, उस टाइम में आपको टेम्परेचर कम रखना होता है क्योंकि उसका जो थिकनेस बढ़ जाती है, तो आपको रोटी जो है जलने की चांसेस, जैसे समोसा है और पूरी में क्या, वो याद होगा जब समोसा बनाते हैं तो आयल का जो टेम्परेचर रहता है सर बहुत कम होता है, डिम होता है, धीरे 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 उसको जो है क्यूरिंग करता है, उसको समोसे को पकाता है तो कड़क होता है। और उसी तरह से जब रोटी आप पूरी बनाते हो तो उसका टेम्परेचर बहुत हाई रखते हो, जैसे आप तो पूरी को डालते हो पट बोल के ऐसा बैलून बन जाता है, इसका टेम्परेचर क्यों पतला है। तो उसी तरह से आप कोई भी होज बनाते हो तो वहां पे आपको बॉन्डिंग की इम्पोर्टेंट होती है, जैसे आप जैसे होज आप टेस्ट कर रहे हो तो उसमें से वैक्यूम होता है, उसमें ऐसा फैलाव होता है,
इलोंगेट होता है और फिर पानी निकालते हो तो वापिस आता है, पानी पंपिंग मार दो तो फिर लंबा होता है क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ता है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा उसके अंदर कोई चीज पहले फूक पे हवा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो चारों डायरेक्शन में जाएगा, लेंथ में भी बढ़ेगा और बॉडी भी बढ़ेगा। तो आपको होज का IS 3443 के हिसाब से देखा जाता है तो आपका चेंजिंग लेंथ जो वर्किंग प्रेशर पर 7.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसी तरह आउटर डाया भी आपको बढ़ेगा, जैसे अंदर से पानी भरते हो कम मात्रा आउटर डाया भी बढ़ेगा। तो वहां पे जो है उड़रोजिन अपना चमत्कार इतना अच्छा दिखाता है कि होज को फटने से फिर आप वापिस आता है तो आपको बॉन्डिंग को बनाए रखता है। अगर उड़रोजिन आप यूज नहीं करते हो तो अगर रिइंफोर्समेंट और रबर के बीच में और हेलिकल वायर के बीच में अगर आपका बॉन्डिंग अच्छा नहीं है तो जैसे उतना लंबा हुआ और फिर वापस आएगा तो वहां पर एयर पोरोसिटी बन जाएगा, पट पट बोल के वहां पर जो है आपको गैप आ गया, छूट गया, तो छूट जाने से क्या होगा आपको बॉन्डिंग वीक हो गया, बॉन्डिंग वीक होने से उधर आपको लीकेज हो जाएगा और होज में वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तो मेरे दोस्त आपने देखा कि वुड रोजिन का इंपॉर्टेंट क्या है और इसको ड्राई बॉन्डिंग केमिकल के नाम से जाना जाता। अब हम चलते हैं हाउ टू प्रूफ दैट दिस इज ए वुड रोजिन, वुड रोजिन क्या है और कैसे हम मालूम करेंगे इसका प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए हमारे लेबोरेटरी के। अब हम चलते हैं संध्या एंटरप्राइजेज के लेबोरेटरी के अंदर ले चलते हैं तो इसको हम क्या टेस्ट करते हैं। फर्स्ट हम क्या देखते हैं, इसे मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं कि ये मेल्ट कितने डिग्री पर होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो 65 ± 5 डिग्री के अंदर ही मेल्ट होना चाहिए। अगर 65 से पहले मेल्ट होता और 65.5 के ऊपर जाकर मेल्ट होता है तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये आपको ये असली वुड रोजिन नहीं है। अगर दूसरी हम बात करते हैं सोलुबिलिटी जो होता है उसको हम बात करते हैं, जैसे टोलुइन है लाइक दिस पेट्रोलियम प्रोडक्ट, टोलुइन जो होता है उसमें हम डिजॉल्व करते हैं कि ट्यूब टेस्ट ट्यूब लेते हैं उसमें थोड़ा एक टोलुइन लेते हैं उसमें आपको वुड रोजिन थोड़ा सा 1 ग्राम या 0.5 ग्राम डालते हैं तो हम उसको सेक करते हैं ट्यूब का तो उसमें सोलुबल होना चाहिए, पूरा मिक्स हो जाना चाहिए, ट्रांसपेरेंट दिखना नहीं चाहिए। अब अगर बात करते हैं इनसॉल्युबिलिटी का तो वाटर में भी देखते हैं कि उसमें सोलुबल नहीं होना चाहिए, उसमें मिल नहीं चाहिए। अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, जैसे आपको बताया स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी, तो आपने देखा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, कोई भी सॉलिड हाइड्रोजन विल कम इन द सॉलिड फॉर्म, सम टाइम विल कम इन द ड्राई बॉन्डिंग केमिकल पाउडर फॉर्म आल्सो। ओके, तो हम जब से सॉलिड बात करते हैं तो हमारा जो वर्ड आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होना चाहिए 1.07 ± 0.05 होना चाहिए। अगर ये क्रॉस करता है लिमिट तो आपका ये वुड रोजिन कस्टमर को सप्लाई को सेंड बैक वापिस कर देना चाहिए। तो आपने देखा कि वुड रोजिन क्या है और इसका इंपॉर्टेंट क्या है। मेरे दोस्त अगर आप रबर फील्ड में है या रबर का बिजनेस करते हैं तो आपको रेट के पीछे नहीं जाना चाहिए, क्वालिटी के पीछे डील करना चाहिए। तो संध्या फ्लिप जो ब्रांड है काफी सर्च के बाद काफी R&D के पास आपको स्लरी होज, मड होज, सीमेंट फीडिंग होज, बहुत तरह का होजेज आपको लेके आता है। तो इसी के साथ जाइए, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9652998939505092921 और हमारा जो वेबसाइट है www.sandhyaflex.com और दूसरा जो वेबसाइट है www.sandhyaflexrubber.com। हमारा मेल आईडी लिख डालिए sandhyarubber@gmail.com और हमारा स्टाफ का जो मैं कॉन्टेक्ट नंबर लिख डालिए 8919488523 एंड माई मेल आई डी इज sandhyaflexmarketing20@gmail.com 7386347865 मेरा मेल आई डी sandhyaflexreporting@gmail.com 6304766851 एंड द ईमेल आई डी इज sandhyaenterprisesmarketing@gmail.com 9392725616 एंड मेल आई डी sandhyaflex19@gmail.com। चलिए इसी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, मिलते रहेंगे और मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।